हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस व्लॉग में मैं अपना एक कॉम्पैक्ट ड्रेसिंग टेबल का टूर दिखाने वाली हूँ। हर कोई लड़की को जितना भी बड़ा ड्रेसिंग टेबल दे दिया जाए उतना ही उसको कम लगेगा, है ना। पर मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मुझे भी थोड़ा बड़ा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, बट मेरा ड्रेसिंग टेबल एकदम ही छोटा है। तो मैंने इस छोटे से ड्रेसिंग टेबल में कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ये सर लंबा और स्लेंडर है। ये चार हिस्सों में है, एक जो है कांच के डोर के अंदर, दूसरा जो है मिरर के पीछे, तीसरा एक ड्रॉअर है, नीचे एक शेल्फ है। ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसे मैंने कस्टमाइज़ करा के ली थी। ये मिरर के पीछे ही ऐसा जो शेल्फ दिया है, इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे जो रेगुलर यूज़ के रहते हैं, जो मेरे डे एंड नाइट और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेरी बेटी का जो भी प्रोडक्ट्स रहता है वो, और हमारा जो तेल वगैरह रहता है, बॉडी लोशन होता है, ये जो जिसे हम रोज़ के बेसिस में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे स्टोर करके रखती हूँ। ये वाले सेक्शन में मैंने पूरे अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हैं, जैसे क्लेंजर, टोनर, फेस मास्क, थोड़ा रोज़ वाटर एंड ऑल दोज थिंग्स। और लास्ट वाले जो शेल्फ है इसमें मैंने जो भी ऑयल, सीरम, मेरी बेटी का ऑयल, हमारा ऑयल, हम सब का ऐसे मैंने अलग से रखा है। मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और एक एलोवेरा जेल जो है वो मैं अप्लाई करती हूँ हेयर वॉश के पहले, जब गर्मी का मौसम रहता है सिर्फ तभी। ये बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और प्योर है, विल्वा का प्रोडक्ट है। और इसे अप्लाई करके हेयर वॉश करने से हमारा हेयर ग्रोथ है ना बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है, और मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और ये छोटा सा पाउडर पफ है। ये जो सीरम है मैं अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ, स्ट्रिक्स का ही है, काफ़ी अच्छा सीरम है कंपेयर टू ऑल अदर सीरम। जो ब्लू है वो थोड़ा लाइट रहता है और जो येलो है वो थोड़ा थिक रहता है। जैसे अगर आपके बालों में ऑयली इफ़ेक्ट आप दिखाना चाहते हैं तो आप येलो वाला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लाइट रखना है जहाँ पे आपको आपका फेस ऐसे ऑयली लुक ना दिखे तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं। शक्ति के लिए मैंने ऐसे लाइटली एक बेबी ऑयल रखा है, जो मैं उसके हेयर वॉश के बाद जब उसके बाल सूख जाते हैं तभी लगाती हूँ, एकदम लाइटली। जैसे हम सीरम लगाते हैं वैसे मैं उसको ये नॉन स्टिकी ऑयल थोड़े से उसके बालों पे लगा देती हूँ, उसके स्कैल्प में नहीं लगाती हूँ इसे। उसके स्कैल्प के लिए मैं अलग से जो ऑयल रहता है वो यूज़ करती हूँ। तो ये लगाने से कैसे बच्चों का जो लश्चर है वो कभी ख़राब नहीं होगा और एकदम उनके बाल जो है हमेशा शाइन बनी रहेगी उनके बालों में। इसमें कुछ मैंने गुड वाइब्स के प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे जो बेसिक क्लेंजर और टोनर होता है वो, और एक रोज़ वाटर। ये जो प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का, बहुत अच्छे से मेरे स्किन में रिज़ल्ट मिला था मुझे, क्योंकि मैं जब प्रेगनेंसी के बाद मेरे स्किन में बहुत सारे डैमेजेस हो चुके थे, तभी मैंने साल भर गुड वाइब्स यूज़ किया था और मेरे स्किन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया था। जो कुछ भी था पिगमेंटेशन और जो कुछ भी पोर्स था, क्लॉग्ड पोर्स, वो सब रोज़ के बेसिस में निकल जाया करता था। इसमें मैंने कुछ सीरम्स रखे हैं, ये सीरम मैं रात में अप्लाई करके सोती थी। और लास्ट वाले जो शेल्फ है इसमें पूरा लोशंस, पाउडर, ऐसे कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं। ये वाला जो शेल्फ है यहाँ पे पूरा मैंने अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही स्टोर करके रखे हैं, जैसे आई मेकअप, स्किन मेकअप, लिप वेयर, फाउंडेशंस और मेकअप ब्रशेस, ऐसे सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रखी है। जो लास्ट वाली शेल्फ है इसमें पूरा मेरे बेटी का क्लिप्स है। मेरे पास काफ़ी ही लिमिटेड मेकअप प्रोडक्ट्स है। मुझे थोड़ा सा मेकओवर करना अच्छा लगता है, कहते हैं ना नो मेकअप लुक, वैसे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे रखती हूँ जो फटाक से लगा कर निकल सके, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे अच्छे से मेकअप करने नहीं आता है, बट जो टचअप रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो जैसे ट्रेडिशनल वेयर वगैरह पहनती हूँ तो थोड़ा टचअप वगैरह दिया तो काफ़ी अच्छा दिखता है इसके लिए। और ये जो आई शेडोज़ है मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं दूसरे कुछ नए कलर्स ट्राई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हर कोई, किसी का स्किन अलग रहता है, हर कोई शेड रहता है, सबके स्किन में सूट नहीं होता है। तो मैं जो है अपना फिक्स्ड प्रोडक्ट्स रखती हूँ और ख़त्म होने पे उसी प्रोडक्ट को रिप्लेस करती हूँ। ये एक ब्राउन आई शेडो पैलेट है, LA कलर्स का, बहुत ही अच्छा पैलेट है ये। इसमें जो कलर्स दिए गए हैं वो ब्राउन स्किन टाइप्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से सूट हो जाएगा। सब कुछ है। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक किट लेके जाएंगे तो भी काफ़ी है। और ये रोज़ पैलेट है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा ब्राउन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है, तो ये तो इवनिंग वेयर वगैरह के लिए ना ये रोज़ मेकअप ज़्यादा रोज़ी नहीं लगता है, थोड़ा यू नो ऐसे रोज़ गोल्ड और ब्राउनिश का इफेक्ट देता है। और ये अगला है हुडा ब्यूटी का पैलेट, इसमें थोड़ा वार्म इफेक्ट आता है, थोड़ा ऑरेंजिश एंड मस्टर्ड दैट काइंड ऑफ थिंग। और ये है मेबेलिन का पैलेट, इसमें से मैं ज़्यादा कुछ कलर्स यूज़ नहीं करती हूँ, जब जो भी शिमरिंग कलर्स है इसमें से वो सारे मैं यूज़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से सूट हो जाता है मेरे स्किन टाइप के लिए। ये वाला पैलेट सबसे फेवरेट है मेरा, बहुत ही लाइट रहता है, कितना भी लेके लगा लो फिर भी वो लाइट ही रहता है। ये पीपल ब्रांड का प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा है। इसमें से एक मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसलिए वो अब तक तो ख़त्म हो चुका है, बट बाकी की चीज़ें भी है जो बहुत अच्छे हैं, जो क्विकली आई शेडो लगाना पसंद करते हैं उनके लिए ये सारे पैलेट्स बहुत अच्छे हैं। ये थोड़े कलरफुल पैलेट्स हैं जो मैं अपने ट्रेडिशनल वेयर के साथ थोड़ा सा ऐसे लाइनर जैसे या थोड़ा सा एक कॉर्नर इफेक्ट के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये आई शेडो भी बहुत अच्छा है हिलारी रोडा का। लास्ट है ग्लैम 21, ये मैंने सबसे पहले खरीदी थी आई शेडो। ये इसमें थोड़ा ग्लिटर इफेक्ट भी रहता है, जो डार्क आई शेडो लुक लाना प्रेफर करते हैं उनके लिए ये सूट हो सकता है। मैं तो बहुत ही लाइट यूज़ करती हूँ इसलिए मुझे ये ज़्यादा उतना सूट नहीं हुआ, बट क्योंकि मैंने इसे बहुत शिद्दत से ख़रीदी थी तो मैंने इसे अब तक रखी है। तो ये हुआ मेरा आई शेडो का सेक्शन। इसके साथ ही मैंने थोड़ा आईब्रो पाउडर और जेल लाइनर, एक लैक्मे का मूस फाउंडेशन, लैक्मे का शिमर और एक कंटूर और ब्रॉन्जर किट, इतने सारे मैंने रखे हैं। ये जो आईब्रो पाउडर है इसके नीचे ही जेल भी आता है। ज़्यादातर मैं काजल यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये जो पाउडर है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसे काजल की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ ब्रश के साथ, और इसको आईलाइनर की तरह भी यूज़ करती हूँ, और इसे आईब्रोज़ में भी यूज़ करती हूँ। ये लाइट लगता है, जितना आप इसको डार्क स्प्रेड करेंगे उतना डार्क दिखेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा ADS का प्रोडक्ट है, बहुत ही सिंपल लगता है, ऐसे लगता है कि इट वुड बी ऑफ नो यूज़, बट आप बहुत ही अच्छे से आपके स्किन में सेट हो जाता है ये, और कलर भी बहुत ही अच्छा कलर है। ये जो प्रोडक्ट है वाटरप्रूफ भी है, और अगर आपने इसे गीले कपड़े से थोड़ा प्रेस करके पोंछ भी दिया तो ये आसानी से निकल भी जाएगा। ये जो है मेरे पास एक मूस फाउंडेशन है। मूस फाउंडेशन मैं सिर्फ अपने आई एरिया के पास ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ पूरे स्किन में यूज़ नहीं करती हूँ, आई मीन पूरे फेस में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरा थोड़ा डार्क सर्कल मुझे कवर करना होता है सिर्फ मैं वहीं पर यूज़ करती हूँ। ये है कंटूर और ब्रॉन्जर किट, ये मेरे स्किन टाइप के लिए सूट होता है, तो मैंने इसे कलर बार का प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा किट है। ये वाले शेल्फ में मैंने एक छोटा सा बोट का स्पीकर्स भी यहाँ पर एक रखा है। ये बोट का एयरडोप्स है, ब्लूटूथ स्पीकर्स है, बहुत ही अच्छा है, इजी टू कैरी, हैंडी टू कैरी। इसे मैंने यहाँ पे संभाल के रखा है क्योंकि अगर ये मेरे बेटी की आंखों में लग गए तो वो पता नहीं इसे घुमा भी देगी, और फिर एक बार घूम जाता है, इतनी छोटी चीज़ें को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है ये जो लिपवेयर और आईवेयर सेक्शन। यहाँ पे मेरे बेबी का जो फेस मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो है, ये मेरा सनस्क्रीन है, डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब है ये, तो आप इसे देखकर ऐसे ही ना लें, अपने डॉक्टर से अगर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं स्किन डॉक्टर से तो बेहतर होगा। नेक्स्ट है मेरे पास एक लैक्मे का प्राइमर है। प्राइमर मुझे लैक्मे प्राइमर से ज़्यादा लॉरियल का प्राइमर बहुत अच्छा लगा, बट लैक्मे प्राइमर की बात यह है कि अगर आप फाउंडेशन के बगैर जस्ट आपको एक मैट इफेक्ट लाना है, ड्राई फ्रेश लुक लाना है आपके चेहरे पे बिना कोई फाउंडेशन का, तो आप लैक्मे का प्राइमर भी ऐसे ही मॉइस्चराइज करने के बाद अपने स्किन को, ये लैक्मे के प्राइमर को जस्ट डायरेक्टली आप अप्लाई करके स्प्रेड कर देंगे तो ऐसा फील होगा कि एक स्किन में ड्राई इफेक्ट आएगा, मैट लुक आएगा, बिना फाउंडेशन का भी ये अच्छा दिखेगा। अब ये है ओले का एक 7-in-1 क्रीम, जो मुझे कहीं फटाक से नीचे मार्केट जाना हो या यू नो फॉर अ वॉक जाना हो तो मैं ये ओले 7-in-1 क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा, एक चीज़ें काफ़ी सिंपल रहती है मेरे इसमें, मैं ज़्यादा फस कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ अगर मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स लिया तो सालों भर से मैं इसी ब्रांड्स को फॉलो करते आ रही हूँ, और काफ़ी यंग एज से जब से मैंने अपना कॉलेज शुरू किया था तब से मेरे काफ़ी सारे ब्रांड सेम हैं। मैं अपने स्किन में कोई नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करती हूँ, इसलिए हर कोई चीज़ मेरे पास एक या दो ऐसे क्वांटिटीज़ में ही रहते हैं। एंड ये जो भी है आईब्रो ब्रश, मस्कारा, आईलाइनर, काजल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। अगेन ये भी सारे जो भी है मैं सेम, ये फेसेस कनाडा का मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटरप्रूफ भी है और इसका एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसको पील करके निकाल सकते हैं ये मस्कारा को, और ये जब भी हमें स्वेटिंग होगा तभी ये ऐसा निकलेगा नहीं आँखों से बाहर। काजल भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे को नज़र टीका रखना होता है तभी मैं काजल यूज़ करती हूँ। ये अगेन फेसेस कनाडा का लाइनर है, बहुत ही अच्छा लाइनर है, काफ़ी जेट ब्लैक है। एक मस्कारा मैंने स्पेयर रखा है क्योंकि मैं जो भी मेकअप करने आती हूँ मेरी बेटी पीछे पीछे मुझे कॉपी करने आ जाती है, तो और खुद के चेहरे पे तो नहीं लगाएगी, जो भी उसके खिलौने हैं जैसे टेडी हो या डॉल हो उसके ऊपर लगाते बैठती है। लिपस्टिक्स भी मेरे बहुत ही लिमिटेड है, मेबेलिन के शेड्स मैंने रखे हैं जो मैं रेगुलर बेसिस में यूज़ करती हूँ, और इसमें सारे मैंने शक्ति के नेल कटर्स और हमारे नेल कटर्स रखे हैं ये वाले बॉक्स पे। ये छोटा सा लिप शेड है जो मैंने जस्ट हब से ख़रीदा था, ये ठीक ठाक है बट मुझे थोड़ा ड्राई लगा था। अगर हम पहले ही अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं हमारे लिप का जो स्किन है उसको, फिर उसके बाद अगर ये लिपस्टिक को लगाकर उसके ऊपर फिर से हमने अगर थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा दिया तो ये आपके स्किन पे थोड़े टाइम तक रुकेगा। बिकॉज़ ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये हमारे स्किन को ख़राब नहीं करेगा, ये इतना भी ग्लूई नहीं है, इजी टू अप्लाई नहीं है, थोड़ा ड्राई लगता है। इसमें के जो सारे शेड्स है बहुत अच्छे शेड्स है, थोड़ा हमें इसको पहले से हमारे लिप को मॉइस्चराइज करके ही लगाना पड़ेगा और बाद में भी एक बार हमें लिप ग्लॉस थोड़ा घुमाना पड़ेगा लिप्स में, तब जाकर ये लिपस्टिक थोड़े टाइम तो भी रुकेगा। ये जो बॉक्सेस है मैंने अपने हाथों से बनाए हैं फाइल कार्ड की मदद से, उसके ऊपर मैंने कलर पेपर रैप कर लिया है। और ये जो हर एक बॉक्सेस है मैंने अपने जो अवेलेबल स्पेस है उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसे बिठाया है। तो कुछ चीज़ें, कुछ बॉक्सेस में से मुझे रेडीमेड मिले हैं, कुछ मैंने अपने हाथों से बनाए हैं ताकि ये जो स्पेस है इसके हिसाब से मैं इसे एडजस्ट कर पाऊँ। ये लॉरियल का एक बहुत ही अच्छा हेयर स्प्रे है, हमें हेयर सेटिंग के लिए या हेयर कर्लिंग के लिए या हेयर स्मूदनिंग स्ट्रेट करने के लिए, अगर बालों को प्रोटेक्ट करना हो तो ये स्प्रे बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ करते आ रही हूँ, मैं हेयर सेटिंग के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये जो है ब्रश शक्ति के लिए है, वो इसे यूज़ करती है। इसमें से एक दो ब्रशेस मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे ये वाला फाउंडेशन ब्रशेस जो भी है और ब्लशिंग वाला जो भी ब्रश है, ये दो मैं यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये सारे उसी के लिए रहते हैं, वही उसके साथ खेलती है। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप सबको पता होगा, जो भी ऊपर वेलवेट टच वाला ब्रशेस रहता है वो मेकअप करने के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि हमारे फेस में जब हम ब्रश को घुमाते हैं हमें वो स्ट्रोक्स नहीं नज़र आना चाहिए, वो जो ब्रश की जो लाइंस रहती है वो नज़र नहीं आना चाहिए, इसीलिए अगर तो जो टच करने से वेलवेटी फील होता है अगर हमने वो ले लिया तो हमारा जो स्किन है मेकअप के बाद बहुत इक्वल दिखाई देगा। ये एक लॉरियल का ग्लास जार है, बहुत ही क्यूट है, इसके अंदर मैं अपना जो ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स या जो भी मेरा लॉकेट रहता है वो मैं इसे यहीं पे स्टोर करके रखती हूँ, जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। ये एक मेरा कॉन्टैक्ट लेंसेस का ट्रैवल किट है जो मैं ट्रैवल करने पे यूज़ करती हूँ, मेरे हैंड बैग में ईजिली फिट हो जाता है या मेरे स्लिंग बैग में भी आसानी से बैठ जाता है। मैं पावर लेंसेस यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे दूर की चीज़ें थोड़ी कम दिखाई देती है। और ये मैंने सीमेंट से बनाया था एक छोटा सा होल्डर जैसा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा कुछ डिज़ाइंस किया है। ये जो वाइट सीमेंट से मैंने बनाया है इसे मैंने पूरा अपने सेफ्टी पिन से भर के रखा है और ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैं जो रेगुलरली पहनती हूँ कुर्ता के साथ या जीन्स के साथ जो भी मैं पहनती हूँ, ऐसे स्टड टाइप के इयररिंग्स मैंने इसमें स्टोर करके रखे हैं क्योंकि ये रेडी टू वेयर रहता है, ऊपर भी रहता है। बाकी के मेरे सारे इयररिंग्स नीचे के शेल्फ में रहते हैं। इसमें मैंने अपने सारे वॉचेस स्टोर करके रखे हैं। कुछ चीज़ें मेरे यहाँ से वहाँ मूव होते रहते हैं, जैसे जैसे मेरा कन्वीनियंस कम होते जाता है मैं कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहती हूँ। लास्ट वाला जो शेल्फ है ये पूरा मेरी बेटी के लिए क्लिप्स और रबर बैंड्स, सारे अलग अलग तरीके के हेयर बैंड्स, ये सब मैंने इसमें स्टोर करके रखे हैं। जब से शक्ति पैदा हुई है वो टाइम से मैंने जो भी कलेक्शन किया है ये सारी चीज़ें मैंने इसी में स्टोर करके रखे हैं। अलग अलग इसे रखने से क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, कौन से ड्रेस के साथ क्या जाएगा और हम उसे तुरंत उठाकर लगा भी सकते हैं। हमने सब कुछ चीज़ें एक ही साथ डंप करके रख दी तो आधा टाइम तो हमारा वहीं पर ही वेस्ट हो जाएगा, है ना। और हमने जो इसे टाइम टाइम पे कलेक्ट करके रखा होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमने अगर अलग अलग ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डाल के रखा तो निकालने में भी ईजी रहेगा। ये सारे मुझे डब्बे मुझे डिलीवरी में मिले थे, जैसे कुछ भी मैंने ख़रीदा हुआ होता है तो उसमें से जो भी डब्बा मुझे मिला था, जो भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स मुझे मिले थे, मैंने उसी को कन्वर्ट करके ये जगह पे रख दिया है। और लकीली वो एकदम ऐसे स्टेप टाइप का बन चुका है तो मैंने इसे यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया है। ये सारे जो हेडबैंड्स हैं मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदी है और कुछ चीज़ें मैंने स्टोर में से जाके ख़रीदी है। मोस्टली जो बच्चों को हेडबैंड पहनाएंगे वो हम कपड़े का पहना देते हैं तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। कभी कभार बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनको ये हेडबैंड से तकलीफ़ होती है, इसीलिए मोस्टली अगर हम जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनको कपड़े का ही हेयर बैंड पहना दे तो वो उनके लिए अच्छा होगा, उनके हेड के लिए भी वो अच्छा रहेगा। ऊपर का हिस्सा यहीं पे ख़त्म होता है, ये जो नीचे के और हिस्से हैं इसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 भी आ रहा है। फर्स्ट वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से मैंने इस वीडियो को 2 भाग में स्प्लिट कर दिया है। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा जिसमें नीचे के सेक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा और डोंट मिस इट। फिर मिलेंगे इसके कंटिन्यूएशन पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।